हेलो बच्चों, पाठ दो छोटे कान बड़े कान के दूसरे भाग में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कुछ जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं, वहीं कुछ जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। आइए अब इन्हीं जानवरों की कुछ और विशेषताओं को हम जानते हैं। पृष्ठ संख्या 9 पर 3 जानवरों के चित्र बने हुए हैं, पर ये चित्र कुछ अजीब से लग रहे हैं। अरे, इनके तो सिर बने हुए नहीं हैं, पर क्या आप इन्हें पहचान पा रहे हैं? जी हाँ, आप इसे जरूर पहचान पा रहे होंगे। पहला जिराफ, दूसरा घोड़ा और तीसरा, जी हाँ, तीसरा है हाथी। तो आपने इनको कैसे पहचाना? आपने इन जानवरों को उनके खाल से पहचाना होगा। इन सभी जानवरों के खाल पर उनके बालों और रंगों के कारण अलग अलग डिजाइन है। इन जानवरों के खाल पर बाल इन्हें इतने सुंदर पैटर्न्स या डिजाइन प्रदान करते हैं। चीते के शरीर पर आप देख पाएंगे काले रंग के स्पॉट या तो चकते, हिरन के शरीर पर आप सफेद रंग के चकते या स्पॉट देख सकते हैं, जेब्रा के शरीर पर आप काले और सफेद रंग के स्ट्रिप्स देख पाएंगे, लंबे लंबे धारियां बनी होती हैं, और गिलहरे के शरीर पर भी आप दो रंग के पैटर्न्स देख सकते हैं। और ये सभी इन जानवरों के बालों के रंग हैं। बाल इन्हें इस तरह के सुंदर रंग प्रदान करते हैं। इन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं। तो बच्चों, अगर इन जानवरों के खाल से बाल हटा दिए जाएं तो हमारा जंगल कैसा हो जाएगा? बिल्कुल बेरंग और फीका। पृष्ठ संख्या 9 पर एक सारणी दी गई है, हमें इस सारणी को पूरा करना है। कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। इन जानवरों में से हमें ऐसे जानवरों को अलग करना है जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं और जिनके खाल पर बाल है, और वहीं कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते और जिनके खाल पर बाल नहीं है। तो इनमें लोमड़ी, हाथी, सुअर, चूहा, बिल्ली, भैंस और गाय, इन सभी जानवरों के कान हम बाहर देख सकते हैं। देखिए, सभी के कान बाहर दिखाई दे रहे हैं और इनके खाल पर बाल भी हैं। वहीं आप देखिए कबूतर, मेंढक, कौवा, मोर, बत्तख, मुर्गी, इनके शरीर पर खाल नहीं होते। आप इनके शरीर पर क्या देखते हैं? मेंढक को छोड़कर आप सारे के शरीर पर फेदर्स यानी कि पंख देखते होंगे, और मेंढक के शरीर पर बाल नज़र तो नहीं आएंगे। उसके शरीर पर एक स्लिपरी लेयर होता है, चिकना होता है उसका स्किन। तो ये सभी जानवरों के बाल नहीं होते और इनके कान भी हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। बच्चों, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, तो अंडे देने वाले जानवरों की सूची आप इन्हीं जानवरों से बनाइए। तो हम देखेंगे कि कबूतर अंडे देते हैं, मेंढक भी अंडे देते हैं, कौवा, मोर, बत्तख, मुर्गी, ये सभी अंडे देते हैं। वहीं लोमड़ी, हाथी, सुअर, चूहा, बिल्ली, भैंस, गाय, ये सभी अंडे नहीं देते, ये सीधे अपने बच्चे को जन्म देते हैं। पृष्ठ संख्या 10 पर आपको दो बॉक्स नजर आ रहे होंगे। एक बॉक्स है हरे रंग का और एक बॉक्स है लाल। हरे रंग के बॉक्स पर आपको वैसे जानवरों के नाम लिखने हैं जो अंडे देते हैं, और लाल बॉक्स पर आपको वैसे जानवरों के नाम लिखने हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो बच्चों, हम यह निष्कर्ष पर आते हैं कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके खाल पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। चलिए अब हम एक गतिविधि करेंगे घर पर रहकर। आपको क्या करना है? अपने घर पर या आसपास दिखने वाले पालतू जानवरों के नाम लिखने हैं। फिर आपको पता करना है कि ये जानवर क्या क्या खाते हैं, क्या इन्हें गुस्सा आता है, कब आता है, और आपको कैसे पता चला कि इसे गुस्सा आ गया। फिर आपको पता करना है कि इनके शरीर पर बाल होते हैं या पंख।
बच्चों, चित्र बनाना और उस पर रंग भरना आपको बेहद पसंद है, तो चलिए एक और गृह कार्य आपको देते हैं। आप अपने पसंद का एक जानवर का चित्र बनाएंगे और उसके बारे में 5 पंक्तियां लिखेंगे। बच्चों, हम अपने घरों पर कुछ जानवरों को पालते हैं, दूध के लिए, खेती के काम के लिए, मांस एवं अंडों के लिए, घरों की रखवाली के लिए। तो हमें भी इन जानवरों का ध्यान रखना चाहिए, इनके आवास की नियमित सफाई करनी चाहिए, इनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, इन्हें तंग करके गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। यदि आपके घर में भी कोई पालतू जानवर है तो आप उनके लिए क्या क्या करते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। हमने सीखा, जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं तथा जिनके खाल पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते और जिनके शरीर पर पंख होते हैं, वे अंडे देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आया हो। एक बार आप इस पाठ का स्व अध्ययन जरूर करें। धन्यवाद।